आज हमारे पास है ये कैंट का स्मार्ट शेफ अप्लायंस। ये एक हैंड ब्लेंडर है, अप्रॉक्सीमेटली 400 आरपीएम से चलता है। ये देखिए इसकी स्पीड, और इसमें मल्टी स्पीड आती है। अभी हमने इसको मिनिमम पर सेट करके रखा हुआ, और यहाँ पे ये मैक्सिमम है। जब आप मिनिमम पर रखेंगे तो जब आप ये पावर बटन इसको चलाएंगे तो ये मिनिमम स्पीड पर चलेगा, और ये टर्बो है टी की साइन टर्बो, मतलब ये फुल स्पीड पर चलेगा। आता है तो ये 450 रोटेशन पर मिनट पर चलता है। ये काफ़ी अच्छा हैंड ब्लेंडर है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसके अंदर ये जो रॉड आता है, शाफ्ट आती है, ब्लेड शाफ्ट, ये जब हम इसे यहाँ पे इस तरह से लॉकिंग करते हैं, इसको टेक्निकली आप यहाँ से ऐसे फिक्स करके ये लॉक हो गया, जो क्लिक की आवाज़ आई ना, देखिए फिर से मैं कहते देखते हैं, ये क्लिक पे लॉक हो जाता है एंड देन ये चलता है। अब जैसे मैं ऐसे चलाऊंगा इसे, एक तो ये वियर्ड साउंड कर रहा है, दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये तो अभी मैंने ऊपर की तरफ रखा है। जब हम इससे कुछ काम करते हैं इस तरह से, आप इस तरह से काम करेंगे, एक आवाज से मिल गया, ये ब्लेड घूम नहीं रहा है, मोटर घूम रही है, ब्लेड नहीं घूम रहा है। ये इसलिए होता है कि जो शाफ्ट है वो नीचे की तरफ मूव हो जाता है। देखिए जैसे मैं इसे ऊपर प्रेस करूँ, ये ऊपर आ गया, ये इसकी आइडियल पोजिशन है। देखिए ये इसकी आइडियल पोजिशन है, ये इतना, बट ये ऐसे प्रेस होके नीचे आ जाता है, ये पूरा बाहर आ जाता है। तो आज हम इसे ट्राई करेंगे कि इसे घर पे कैसे रिपेयर करें। इसके लिए आपके पास दो तरह के स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, एक ही नॉर्मल सा और एक दूसरा प्लस वाला। चलिए इसे हम भी साइड में रखते हैं। ये टक्सर के स्क्रू ड्राइवर सेट है जो मैंने पहले रिव्यू किए हुए, इसके अंदर बहुत सारे पिन आते हैं, काफ़ी स्टडी है। ये मैग्नेटिक है और हम इसी वाला पेन यूज़ करेंगे, प्लस वाला। चलिए सबसे पहले हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी खोलने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर की साइड दो स्क्रू है, इसे अनलॉक करेंगे। बाहर आ गया और अब नीचे का हिस्सा नीचे से निकाल लेंगे। देखिए कि ये नॉर्मली स्टेनलेस स्टील का पाइप है, काफ़ी सॉलिड है ये, सब हम साइड में रख देते हैं। अब ये हिस्सा, तो ये प्लास्टिक है, यहाँ पे 3 स्क्रू मिलेंगे आपको अंदर, और उसके अंदर ये शाफ्ट है। अभी भी हमें इन 3 स्क्रू को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आराम से खोलना है क्योंकि ये प्लास्टिक है। खुल चुका है ये, देखिए अभी कुछ इस तरह से। ये तीनों स्क्रू को आपको साइड में रख देना है, इसके अंदर मैं रख दूँ इस तरह से, ताकि खो ना जाए। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक सेकंड मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये तो जो रिंग्स दिख रही है आपको, ये वो रिंग्स है जहाँ पे इस तरह के लॉक होने चाहिए, ताकि जब ये यहाँ पर जाए, ये इसका मैक्सिमम पोजीशन है यहाँ पे, तो इससे आगे पास ना आए। बट जो लॉक्स यहाँ पे लगे थे इधर, वो सड़ गए होंगे क्योंकि इसको 2 साल हो चुके हैं हमें यूज़ करते करते, इससे हम घी मक्खन निकालते हैं, तो वो लॉक्स इधर सड़ चुके होंगे या रबर के होंगे, मुझे नहीं पता। तो अब हमारे पास दो तरीके, या तो हम यहाँ पे कोई तार बांध दें, या यहाँ कोई इसका वाइसल आता है वो मंगवा के यहाँ पे लगा दें, और उस तार को यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये लॉक है यहाँ पे, इस तरह से लॉक हो जाए, ताकि जब ये इससे नीचे ना जाए, जब ये इससे नीचे नहीं जाएगा तो ये बाहर नहीं आएगा, जब ये बाहर नहीं आएगा तो जब ये ऊपर मोटर में ये पार्ट लगता है तो वहाँ से निकलेगा नहीं, उसमें रुका रहेगा। देखो अगर आपको ध्यान से देखो तो यहाँ पर को दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये लॉक दिख रहा है आपको, एक ये देखिए, हाँ इसी ये लॉक, इसे ऊपर नहीं आने देना है। जैसे अब मैं यहाँ पे ऊपर आने दूँ, इस शार्फ को खींचूंगा, नहीं आएगा, ये लॉक इसे रोक देता है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे एक लॉक होना चाहिए, और वही लॉक इसको यहाँ से बाहर नहीं आने देता। अगर वो लॉक ना हो तो यहाँ से बाहर आ जाए। ऐसा ही लॉक यहाँ पे लगेगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे आसपास कहीं शॉप पर मिल जाए तो मैं लेकर आता हूँ, या फिर अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे इसे तार बांधकर लॉक कर देंगे। मैं लोकल मार्केट में ढूंढा, बट वो वैसे ही मिला नहीं, तो अब हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा पड़ा था, उसमें से इतना ये वायर निकाला है। जो वायर मैं यहाँ पर लॉक में लगा दूँगा, जिसकी वजह से ये इससे नीचे नहीं उतरेगा। चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। इसको मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से दिखाई दे। फिट तो हो चुका है, मैं इसे यहाँ पर दबाया मैंने, और इस साइड भी अच्छे से प्रेस कर देता हूँ। मतलब इन शॉर्ट ये आपने एक, देखिए एक तरीके से एक रिंग बना दी, देखिए इसको आप, ठीक। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर देता हूँ, देखिए मैं इसको ऊपर नीचे करके देख रहा हूँ, निकल नहीं रही है, ये अच्छे तरीके से फिट हो चुका है इसमें। अब देखिए मैं इसको नीचे से खींच रहा हूँ, ये प्लेट को, प्लेट निकलेगा नहीं, तो ये लग चुका है। अब हम, मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बेहतरीन टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। इसको अच्छे से मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, ये होल हो गए, ये होल के ऊपर ये होल आ गए, जो हमने यहाँ पे छोटे स्क्रूज रखे थे वो फिट कर देंगे। फिट हो रहा है, काफ़ी इजी है, और बिना कोई पैसे खर्च आप घर में ये सॉल्यूशन कर सकते हैं टेम्प्रेरी। अगर वो वाइसल मिल जाता तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता, और वो वाइसल की कोई कीमत नहीं है, वो वाइसल 5 या 10 रुपये में ही मिल जाता, लेकिन अभी मुझे मार्केट में मिला नहीं। मैं टाइट कर देता हूँ यहाँ पे, एकदम टाइट हो चुका है, अच्छे से पैक हो चुका है। अब इसे हम जो इसकी हाउसिंग है ये वाली, इसके अंदर फिट करेंगे। देखिए अच्छे से ये फिट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इस बॉक्स को यहाँ पे लगा देना है।
काफी आराम से टाइट हो जाएगा। टाइट हो चुका है और अब होपफुली ये बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं आप एक बार इसको लगा के इसमें टेस्ट कर लेता हूँ। ये फिट हो गया इसमें। एकदम मजबूत हो चुका है, ये रेडी हो गया है।